दोस्तों, मैं विभा आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको शुगर फ्री गुजिया बना के दिखाएंगे, वो भी दोनों तरीके से बनाएंगे, शुगर वाली और शुगर फ्री। आप जो भी पसंद हो वो खा सकते हैं, जिसके लिए जो भी सुटेबल है वो खा सकते हैं। आपको हम मेजरमेंट बताते हैं और उसी के हिसाब से जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी गुजिया बनकर रेडी होंगी। ये हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, इसमें हमने कोई भी आटा वगैरह नहीं मिलाया है, ये केवल मैदा ही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात इसका जो रेशियो है वो मेन है, आपकी नाप तोल सही होनी चाहिए। भले ही आपको तराजू से तोड़ना पड़े, किसी बर्तन से तोड़ना पड़े, लेकिन आपको इसको सब मेजरमेंट सही रखना है। मेन चीज जो है गुजिया का पापड़। अब इसमें हम क्या करेंगे, 125 ग्राम देसी घी, आप रिफाइंड का ना लगाएं, आप चाहे डालडा का मोहन लगा लें। इसमें देसी घी नहीं डाल सकते तो डालडा डाल सकते हैं। अब इस ये आप देख सकते हैं, हमने ज्यादा इसको घी को मेल्ट नहीं किया है। आपको पानी जैसा भी नहीं करना है और आपको कड़ा भी नहीं रखना है, इसलिए कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका घी नहीं पिघलना चाहिए। अब इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको मसलना है, ऐसे इसको मसलना है कि ये धीरे 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 सब आपके बंधने लगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहें, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपसे कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है आप लोगों की वजह से, जब आप लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं, और भी विश्वास मजबूत होता है। इसी तरीके से साथ देते रहें। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको मसल लिया है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छे तरीके से सारा जो मोवन है वो मिक्स हो गया है। आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए, ऐसा नहीं कि आपने इसको मुट्ठी बनाई और ये फूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको जब हाथ में लेंगे तो ये देखिए हिलाइएगा, ये देखिए हिलता है, इसका मतलब है कि अब ये बढ़िया सा हमारा मोवन रेडी हो गया है, मैदा पड़ा हुआ। अब हम इसमें जो आटे को डो लगाएंगे, इसमें हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे। आपको पानी ठंडा नहीं लेना है, ठंडा लेंगे तो आप गुंथियां पड़ जाएंगी। और एक चीज और है कि आपको पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको गूंथना है, ऐसा ना करें आप एकदम से पानी ज्यादा डाल दें। ज्यादा पानी डालने से भी अगर डो गीला हो गया तो फिर दिक्कत होगी। इसका जो डो है वो आपको थोड़ा टाइटली ही मारना है। इस तरीके से इसका डो तैयार करें, कि जो हम लोग घर में पूड़ियां बनाते हैं उनसे सख्त होना चाहिए। और जब गर्म पानी में इसको हम गूंथेंगे तो ये रखने के बाद खुद ही टाइट हो जाएगा। इसकी देखिए डो बन के तैयार हो गया है, इसको ढक करके अब हम अलग रख देंगे 10 मिनट 20 मिनट के लिए, जब तक हमारा और मटेरियल तैयार करते हैं। आप देखिए, अब हम जो मेवा पड़ती है जो उसमें फिलिंग भरेंगे उसके लिए आपको सारा सामान दिखाते हैं। ये हमने 500 ग्राम खोया लिया है जो हमने खुद घर में बनाया है, बिल्कुल शुद्ध है, आज ही सुबह हमने इसको बनाया है। और ये गर्री का लच्छा हमने घर में ही घिसा है नारियल का गोला मंगा करके। ये किशमिश है और ये बादाम है, ये काजू है, ये चिरौंजी है और ये खाने वाला गोंद है और ये खजूर है। अब खजूर को जो है आप सब बीज निकाल लीजिए, इस तरीके से ऐसे पकड़िए और अलग कर दीजिए, ये बीज बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप सारे खजूर फ्रेश करके रख लीजिए। अब हम मावे में जो शक्कर डालेंगे वो मार्केट की बूरा वाली शक्कर है, ये हमने 300 ग्राम ली है 500 ग्राम खोए में। घर की पीसी शक्कर नहीं डालेंगे, नहीं तो वो आपका मावा गीला हो जाएगा। अब हम ये सारी मेवा का जो इसमें डालने का तरीका है वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने देसी घी लिया है, अब इसको हम मेवा को जो मेवा फ्राई करने वाली है उसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके की चलने पर हम मेवा रख लेंगे और इसमें इसको इस तरीके से रख देंगे। और ये बिल्कुल गैस को आप धीमा रखें, तेज गैस में एकदम से झुलस जाएगी ये, इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। जितनी भी मेवा हम फ्राई कर लेंगे सारी मेवा एकदम सेफ हो जाएंगी, फिर आपकी गुजिया जल्दी खराब नहीं होगी। यदि मेवा आप डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो बस 2-4 दिन बाद में अजीब सी एक स्मेल आने लगती है। बीच बीच में आप इसे उठा करके देख लीजिए, इनको इस तरीके से उछाल दीजिए।
कम गोल्डन ब्राउन है, फिर इसमें दिखा दीजिए, फिर उठा लीजिए। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कोई चीज सैलो फ्राई करते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो पाती जितनी की डीप फ्राई में हो जाती है, इसलिए आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अब इसी तरीके से हम बादाम भी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने इसी तरीके से बादाम भी फ्राई कर ली है। अब इसी तरीके से किशमिश भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत हल्की करना है, ये जल जाएगी नहीं तो। बस हो गई, देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए ये दब जाएगी, इतनी फुली फुली नहीं रहेगी, लेकिन ये आप समझ लीजिए आप खराब नहीं होगी ये किशमिश आपकी। ये चिरौंजी है, बस चिरौंजी को तो फटाक से निकाल देंगे बाहर, हो गया। अब हम इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। हमने इसमें गोंद का प्रयोग किया है गुजिया में, और आप एक बार बना के देखिएगा गोंद की गुजिया, बिल्कुल लाजवाब टेस्ट आता है। इसके सामने गोंद के लड्डू भी फेल हो जाते हैं। अच्छा एक चीज हम भूल गए थे बताने के लिए, ये हमारा 4 चम्मच रवा है। इस रवा को भी बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, इसमें कोई भी चिकनी चीज न डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको बढ़िया सा भून। ऐसा है कि अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं कोई भी ऑयल या घी डाल करके इसको भून लें, लेकिन ऐसी कोई चीज जरूरत नहीं है तो न डालें। अब इसको आप अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ये देख सकते हैं अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम एक कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन सा भूंज लेंगे। इसमें भी जो है ये गर्री भी बहुत जल्दी से खराब कर देती है मटेरियल को, इसलिए इसको भी जरूरी है। इसमें भी कोई तेल न डालें, इसी तरीके से इसको भून लें। ये नारियल भी रेडी हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए इसे चॉपर में डाल करके ये काजू बादाम को छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप या तो हाथ से कट करें, बहुत ही बारीक करना चाहिए, नहीं तो गुजिया के अंदर जो फिलिंग होती है उसमें भरने के बाद में ये चुभ जाता है अंदर से, तो गुजिया फट जाती है। इसलिए आप इसमें जो भी मेवा डालें उसको काफी छोटे पीसेस में डालें, या तो आप इसको कट कर लीजिए या इस तरीके से चॉपर में डाल करके छोटा कर लीजिए, या आप मिक्सी में डाल करके और उसको भी धीमा तेज करके और आप उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा बारीक सा कट हो गया। ये देखिए इस और किशमिश को भी हम थोड़ा सा, ये हमारा किशमिश बड़ा वाला है, इसको भी कट कर लेंगे छोटा छोटा। देखिए हमको काट करके बता दे रहे हैं आपको, आप एक एक किशमिश ना पकड़े, आप ऐसे पकड़ लीजिए इसको दबा के, जितने भी आपके हाथ में आ जाए 4, 6, 7, 8 बस उनको बस कैंची से या चाकू से आप ऐसे कट कर दीजिए। इस तरीके से आप पकड़ लीजिए और बस यूं कट कर दीजिए, एक एक आपको कट करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी से हो जाती है ये, हमने इसीलिए बता दिया आप एक एक कट करेंगी। ये देखिए हमने कट कर लिया छोटा छोटा। अब ये जो हमारा खजूर है इसको हम मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा हल्का सा छोटा छोटा कर देंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा बड़ा पीस है, छोटा करेंगे इसको। इसकी भी गुजिया दिखाएंगे आपको। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, बस इसी तरीके से ये हो सॉफ्ट हो गया है थोड़ा। अब हम इसको बाद में बनाएंगे, पहले आपको खोए वाली गुजिया दिखाते हैं। अब ये देखिए ये खोया वाली है। अब इसमें हमने जो शक्कर की माप आपको बताई थी पहले ही वो डाल देंगे, और ये हम रवा थोड़ा सा डालेंगे। इसमें ज्यादा रवा ना डालें आप, क्योंकि फिर वो रवा वाला टेस्ट आ जाएगा। ये हमारी मेवा है, अभी हमको उसमें दूसरी वाली गुजिया में भी मेवा डालनी है, इसलिए हमने उसी के हिसाब से मेवा तैयार की थी। मेवा आप जितनी कम जितनी ज्यादा आपकी इच्छा पर है, शक्कर आपकी इच्छा पर है कि कम ज्यादा। ये हमारी किशमिश है, वो आप उसी के हिसाब से डाल लें, उसमें आपका कोई बंधन नहीं कि हमको मेवा कितनी डालनी है। और ये नारियल है और ये गोंद, इसका बिल्कुल जायका बढ़ा देगा। आप एक बार बनाइए गोंद को डाल करके। अब इसको ठीक से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारी चिरौंजी फिर भी छूट गई, इतनी मेवा पड़ती है इसमें कि दिमाग से एक दो मेवा उतर भी जाती है, कह रहे निकल गई दिमाग से कि क्या करें। हमने इसमें मिक्स कर दी है।
ये खजूर है, अब इसमें हम ये चिरौंजी डालेंगे, जो हमारी मेवा बचाई है हमने सारी वो डालेंगे, ये गरी है, किशमिश है और ये गोंद है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। देखिए बाउल में मिक्स करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमने इसे प्लेट में ले लिया है। इसको आपको बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है, ये खोए की तरीके से नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मेहनत भी थोड़ी लगेगी। ये आप इस तरीके से जो हमने डो तैयार किया है वो आप सब देख चुके हैं वीडियो में। अब इसको हम इस तरीके से लंबा लंबा बना लेंगे पीस, जिस हिसाब से हमको अपनी गुजिया बनानी है। इस तरीके से आप कट लगा लीजिए फटाफट। यदि आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। अब इस तरीके से पहले पापड़ बेलेंगे। देखिए पापड़ बहुत ही बारीक होना चाहिए आपका, यदि पापड़ आपका मोटा होगा तो आपकी गुजिया सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। देखिए आप जिस चौकी पर बना रहे हैं, देखिए वो चौकी झलक रही है नीचे से, आप ऐसे अपनी उंगलियां रखिए, देखिए उंगलियां झलक रही हैं, इतना बारीक पापड़ होना चाहिए। अब इस तरीके से हम एक सांचा ले लेंगे, उसमें इसको रखेंगे। आप ये देखिए, आप बिल्कुल सांचा इस तरीके से ना किया करें, फिर जब हम लोग प्रेशर डाल के इसको दबाते हैं तो ये बीच में यहाँ पर कट जाती है गुजिया। थोड़ा सा इस तरीके से आप पकड़िए, हल्का सा चार उंगलियों की सहायता से उसको थोड़ा सा गहरान रखिए। अब इसमें फिलिंग को रख देंगे और हल्का सा ये हमने घोल तैयार किया है वो लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाना है नहीं तो कोर फट जाएगी। अभी इस तरीके से हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए इसको कट कर दीजिए। ये देखिए हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। इसी तरीके से आप बना लीजिए, आपको इसकी गुजिया बना के दिखाएंगे। बस आप देखिए किस तरीके से हम भरते हैं, इसके छोटे छोटे पापड़ बनाएंगे। ये गुजिया बहुत छोटी छोटी बनती है और भरने के लिए आपको हम इसमें बता दे रहे हैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको लंबा करके इसे प्रेशर डालते हुए इस तरीके से आप उसके अंदर रखेंगे फिलिंग। गोल गोल नहीं रखेंगे, गोल गोल रखने से फिर ये एक जगह पे उठ जाएगा और उठने के बाद में ये फिर फट जाएगी गुजिया आपकी। इस तरीके से आप रखिए। अब हम आपको बनाना दिखा रहे हैं, आप एक एक स्टेप काउंट कीजिएगा। आप इस तरीके से गूंथ भी सकती हैं, इसका पापड़ थोड़ा सा मोटा रहेगा। अब हम आपको दूसरा तरीका दिखा रहे हैं। देखिए चाहे आप एक एक पापड़ बना के कट कर लीजिए, चाहे दो, इसमें मेरे दो नहीं आ रहे हैं इसलिए हम दूसरा भी इसमें बना लेंगे अभी फटाफट। थोड़ा सा आप पापड़ बड़ा बेल देंगे तो आपके दो तीन चार इस तरीके से कट जाएंगे, लेकिन आप इसकी मोटाई का ध्यान रखें। आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, ये बहुत सुंदर लगता है बनने में। इसको हमने कई बार बनाया है और भी वीडियो हमारी चंद्रकला पर अपलोड है इसमें बनाने का, आप उसको वीडियो पर देख लीजिएगा। ये देखिए शुगर फ्री खजूर वाली गुजिया है, ये हमने गुजिया बनाई है और ये उसी का रूप है। ये सुंदर ज्यादा लगता है बनाने में, आप इसको भी बना सकती है, इसको भी बना सकती है, बस इसका साइज छोटा ही रखें क्योंकि ये ज्यादा बेटर फैलता नहीं है इधर उधर। और अब हम आपको तल के दिखाते हैं। ये देखिए हमने वही ऑयल ले लिया है जो हमने अभी तला थे सब सामान उसमें, और हम अब इसी में सब डालेंगे गुजिया। बहुत आपको इसको तेज नहीं करना नहीं तो सब झुलस जाएंगी, बस जैसे पड़ जाएंगे। अब आप भगवान का नाम लेकर के धीरे धीरे गुजिया सारी डालिए। ये देखिए इसी तरीके से आप गैस को रखिए। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं, हल्का सा, ये नहीं कि जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आप पलट रहे हो, आप पलट दीजिए इस तरीके से। यदि कोई गुजिया आपकी फूटने लगती है तो उसको आप बीच में ही निकाल दीजिए और घी छान लीजिए। अगर आपको दिक्कत नहीं होती है तो आप ऐसे ही आराम से बना लीजिए। और जो हमने आपको खजूर की गुजिया बताई है उसमें आप मावा भी डाल सकते हैं,
शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो शुगर फ्री है तो उसमें शक्कर डालने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खोया डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें इसी तरीके से शुगर फ्री गुजिया भी तल लेंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए। ये देखिए हमारे ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल देंगे। ये देखिए गुजिया शुगर फ्री और शुगर वाली दोनों गुजिया इसमें है। आपको जो भी अच्छी लगती है बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। हमारा वीडियो जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट में। हैप्पी होली।